हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ अपने साथ एक अच्छा सा वीडियो लेके वापस से। ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपने थंबनेल से तो पढ़ ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ममा अर्थ के शीट मास्क। पर्सनली मैं शीट मास्क बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई टॉपिक शीट मास्क के रिलेटेड होता है मैं ट्राई करती हूँ मैं उसके वीडियोज को जरूर बनाऊ। मैंने कुछ शीट मास्क से रिलेटेड वीडियोज पहले भी बना रखे हैं, आई विल लिंक दोज समवेयर, तो आप आई बटन में आप चेक कर सकते हो वो। अब मैं बता देती हूँ कि इसमें जो है इस स्पेसिफिक जो ये रेंज निकाली है शीट मास्क की मामा अर्थ ने, उसमें कुल मिला के आई थिंक 8 वेरिएंट्स हैं, जिसमें से ऑल द वेरिएंट्स आर गुड, बट मेरे कुछ एक दो वेरिएंट है जो बहुत ज्यादा फेवरेट है और वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि वो कौन सा फेवरेट है और वो क्यों मेरा फेवरेट है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ बेसिक इन्ग्रीडियंट्स है जो सारे शीट मास्क में सेम है। That is, they have like honey, they have vitamin C, they have glycerin, and one more thing, I think they have that argan oil and niacinamide and ascorbic acid. तो ये जो कुछ ingredients हैं ये इनने common रखे हुए हैं। बस इनके साथ ऐसा है कि जो जैसे मैंने विटामिन सी शीट मास्क लिया तो उसका क्वांटिटी लाइक उसका जो परसेंटेज वॉल्यूम है वो इसमें ज्यादा है, सिमिलरली रेस्ट ऑफ दीज। ठीक है, अब मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक ये है तो इसमें कॉफी का एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा एड, एंड वी हैव उपटन वन, तो इसमें उपटन में सैफरन एड हो जाता है और उपटन के लिए आई थिंक दे हैव ऑल्सो एडेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैफरन एड कर दिया है एंड सिमिलरली सो ऑन। लाइक नायसेनामाइड है तो इसमें नायसेनामाइड का परसेंटेज ज्यादा है, तो इस तरीके से इन्हें ऐड किया। जो सबसे ज्यादा पसंदीदा बात है इस पर्टिकुलर सारे शीट मास्क की वो ये है कि मुझे जो एक चीज अच्छी लगी कि ये सारे बैम्बू शीट मास्क हैं। ये पहली कंपनी है इंडिया में जो कि बैम्बू बायोडिग्रेडेबल शीट मास्क बना रही है, क्योंकि क्या होता है यार, और जो शीट मास्क आते हैं मार्केट में उनका जो रेसिड्यू बचता है ना जो हम फेस पे लगाते हैं दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, बट दीज आर बायोडिग्रेडेबल। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया यार। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस अगर आप फॉलो करते होगे तो आपने देखा होगा मैं हमेशा बोलती हूँ यार, खुद का ख्याल रखने के चक्कर में एनवायरमेंट का ख्याल रखना मत भूलो, क्योंकि जितना आपके लिए आपकी स्किन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सेम अगर एनवायरमेंट बचा रहेगा तो सब कुछ बचा रहेगा, तो मैं उस पर जरूर एम्फेसाइज करती हूँ। तो इसलिए मुझे ना पर्टिकुलरली ये ब्रांड के कुछ इनिशिएटिव्स पसंद है, नॉट ऑल, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बेसिकली मैंने जो नोटिस किया है कि ये लोग ना बहुत ज्यादा रेंजेस जो मार्केट में रेंज आ रही है उसके कॉम्पिटिशन में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस निकाल देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि सारे अच्छे होते कि नहीं होते हैं, मैं स्पेसिफिकली सारे ट्राई भी नहीं करती हूँ। मैंने इनके कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए हैं, तो मेरे लिए ये 60-40 वाला ब्रांड है, मतलब इसका मुझे 60% प्रोडक्ट ठीक लगते हैं एंड 40% मुझे नहीं लगता कि वो इतने वर्थ है उनके पैसे के। बट ओके, मैं टॉपिक से हट रही हूँ, हम कहाँ शीट मास्क की बात कर रहे थे और मैं कहाँ घुस गई हूँ, ये एक बहुत डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। ऑल दो अगर मैं बात करूँ तो इनकी क्वांटिटी है 25 ग्राम्स और इनका प्राइस है 149। मतलब नॉर्मली जैसे लैक्मे है, फेस शॉप है, इन सब के जो शीट मास्क आते हैं, इवन नायका के कुछ नॉर्मल शीट मास्क जो है उनका प्राइस 99 है, और यार हम सिंगल टाइम यूज कर रहे हैं इनको। ऑल दो दे हैव गुड अमाउंट ऑफ सीरम, बट स्टिल लाइक 150 रुपए इज टू सम एक्सटेंट मुझे हायर लगता है। आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको भी वो चीज लगती है तो। बट हाँ, अगर आपको कोई चीज अच्छी मिल रही है तो उसमें क्या बुरा है, और इवन अगर ये बायोडिग्रेडेबल है तो मैं 149 देने के लिए 101% रेडी हूं, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। सिंपल स्टेप्स है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक अभी तो सब लोग जानते होंगे कि शीट मास्क को कैसे लगाना होता है, कुछ नहीं यार, नॉर्मल फेस को वॉश कर लो अपने प्रॉपर। और मैं जो बोलती हूँ हमेशा से कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जो डू एंड डोंट्स है, तो मैं डूज बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको ना अपनी स्किन को क्लीन करना है प्रॉपर, और इसका सबसे ज्यादा अगर आपको शीट मास्क का बेनिफिट चाहिए तो आपको ना टोनर लगाना चाहिए, पहले आप वॉश करो देन टोनर लगाओ, क्योंकि इट इज अ सीरम, करेक्ट,
तो सीरम तो वैसे भी हम तब लगाते हैं ना जो हम टोनर लगाए, तो ये चीज का ध्यान हमें हमेशा रखना है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा से टोनर लगाओ, उसके बाद शीट मास्क को अप्लाई करो। एंड क्या कहते हैं, अब मैं जो मुझे लगता है इन सब में, इन टोटल जो बताना चाहूंगी कि शीट मास्क बहुत वर्थ है प्राइस के, कोई बात नहीं है 149 पर बैम्बू शीट मास्क। और पता है इसमें काफी अच्छा अमाउंट ऑफ सीरम है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक बार लगाओ, 10 मिनट बाद जब हल्का सा आपका जो वो फेस का मास्क है वो सूख जाता है, तो उस बचे हुए सीरम को वापस लगाओ, तो सेकेंड लेयर काइंड ऑफ हो जाएगा कि एक बार लगाया फिर थोड़ा ड्राई हुआ फिर आपने उसको लगाया, तो आप प्रॉपर इसको 10-20 मिनट का प्रोसेस रहता है, थोड़ा लंबा है बट इसको टाइम दोगे ना आपको इसके इतने बेनिफिशियल रिजल्ट देखने मिलने वाले हैं कि आप खुद शॉक हो जाओगे देख के। अब मैं बता देती हूँ कि इसका कौन सा शीट मास्क है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया और वो क्यों। तो मैं जो शीट मास्क की बात कर रही हूँ, वेयर इट इज, या दिस वन, ओके, आई लव दिस मामा अर्थ उपटन शीट मास्क, क्योंकि देखो मैंने इसका उपटन रेंज जो है वो कम्प्लीटली ट्राई किया हुआ है। इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हो मुझे जरूर बताना, मैं इसका कम्प्लीट उपटन रेंज का वीडियो बना दूंगी। तो मैंने जो ट्राई किया है ना, मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा सूट करता है। देखो मेरी बहुत ज्यादा ऑयली सेंसिटिव स्किन है, तो मैं जल्दी से सब कुछ लगाने से पहले भी सोचती हूँ, तो बट जब मैंने इसको ट्राई किया मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखा था। उपटन फेस मास्क, स्क्रब और फेस वॉश, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है इसका फेस वॉश, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने इसलिए सोचा था कि मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थे इससे, और इसका सेम वही इम्पैक्ट है, इट हैज दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑन योर फेस जब आप रात में लगाते हो, और सुबह जब आप काफी पूरा ओवरनाइट इसको टाइम देते हो ना, तो सुबह आपको अगले दिन आपकी स्किन बहुत सपल, सॉफ्ट और ब्राइटन दिखती है, वो एक अच्छी चीज है। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगी जो डूज में आती है शीट मास्क अप्लाई करने के, कि यार आप वन टाइम में रिजल्ट एकदम 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट्स आपके लाइक मिले, तो यार इसको ना एक हैबिट बनाओ, एक वन टाइम रिजल्ट के पीछे मत भागो, बी कंसिस्टेंट। आप अलग वेराइटी का शीट मास्क यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने एक्चुअली मैंने 4 शीट मास्क मंगाए थे फॉर अ मंथ, जिसमें से एक ही बचा है जो कि मैं अप्लाई कर लूंगी। बट मेरा हमेशा ऐसा फिक्स रहता है कि मैं मंथ के हर एक वीक में, वीकेंड में जब मैं हेयर वॉश करती हूँ, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, वीकेंड को मैं अपने प्रॉपर ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में, तो उसके बाद मैं रात में जब ऑयलिंग कर लेती हूँ, अपना पूरा स्किन केयर कर लेती हूँ, रात में मैं आराम से मुंह धो के टोनर लगा के अपना शीट मास्क लगा के मस्त, जो मेरा मंडे होता है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, तो मैं हमेशा संडे को ये करती हूँ। एक हैबिट बनाओ इन सारी चीजों की, इनके रिजल्ट्स तभी देखने मिलेंगे जब आप इसको एज अ हैबिट और बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हो, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। और इसके अलावा जो डूज में एक मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता सकती हूँ, इसके साथ कोई भी शीट मास्क अप्लाई करते हो ना, शीट मास्क में सबसे पहले एक अच्छी चीज होती है, अगर इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख दोगे ना, नॉट मतलब फ्रिज में रख दो हल्का सा 5-7 मिनट के लिए, जस्ट फ्रिज में नॉट फ्रीजर, और फिर उसके बाद लगाओ, तो इसका और ज्यादा कूलिंग इम्पैक्ट होता है। देखो हमेशा वैसे भी बोलते हैं कि आपको अपने फेस पे आइस जरूर लगाना चाहिए, इससे आपके पोर श्रिंक होते हैं, तो आप जब इसको थोड़ा सा ठंडा करके लगाओगे ना फ्रिज में रख के, तो आपको इतना कूलिंग सेंसेशन, रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इन टोटल मेरे तरफ से आई विल गिव लाइक थम्स अप टू दीज शीट मास्क, डेफिनेटली इसको ट्राई करो एक बार। एंड अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे बाकी के वीडियोस मिस ना करो। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।